गंगाधर देश के मुत्या क्रांति पुरुष है, कमर इस्लाम कहाँ रहते थे वहाँ मुत्या रहते थे हमारा सारंगधर देश के मुत्या जी। अब इलियास बागवन के वास्ते आ गए है, आप कभी भी कोई भी बुलाए तो हर काम कौन सा भी आपका धर्म का काम रहे तो हमारा जगत गुरु सारंगधर मुत्या हमेशा आते है। आपका आशीर्वाद रहना, हमारा इलियास बागवान को भी अच्छा होना, उन अच्छा काम कर रहे हैं, आपका सबका आशीर्वाद रहना बोल के हाथ जोड़ के मेरा बात खत्म कर दो। आ मनुष्य मानव जन्म निर्मित समाज माड़ी, ये मानव निर्मित समाज मैगिन बिंदुला मस्जिद देवरगुड़ी मरगम्म कालम्म शेखर इवेल मानव निर्मित समाज नातक कटे नातक जाति बद्धते इवेल सू अर्थ तक ऐन हुनार इवत के शक्ति विचिद्रकार शक्ति संतर एला धर्म गुरु वे मरूम कमर इस्लाम जी को याद करना चाहता हूं। आज मैं कोई पार्टी से नुमाइंदगी करने नहीं आया, आज मैं वीर शैव लिंगायत समाज का एक मुखिया, एक मुखंड, एक समाज के अध्यक्ष जाने से इस मंच पे आया हूं। आज लिंगायत वीर शैव के गुरु जो 12वीं सदी में अन्ना बसवाना ने जो कहा था इव नारवा इव नम्मवा इव नम्म मने नव मगन अंत एंदनसैया। आज प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर साहब जो संदेश दिए थे, आज सभी धर्म सभी जात सभी वर्ग के लोग समानता समानत है बोल के जो मिसाल दिए थे, आज कोई भी हम यहाँ पे बैठे हुए कोई हम मैं आज लिंगायत में पैदा होना, कोई मुसलमान में पैदा होना बोल के कोई अर्जी नहीं डाले थे। आज जो सांस लेने का हवा एक है, जो हम पानी पीने का पानी एक है, जो हमारे रगों में जो खून दौड़ रहा है वो एक है, फिर इस भेदभाव के बीच में आज चंद लोग हमें विभाजन करने में तुले हुए, हमें भड़काने में तुले हुए। आज मैं सभी लोगों को अनुरोध करता हूँ कि वैसे भड़काव में आना नहीं चाहिए, हमें आने वाले जो युवा पीढ़ी को है हमें एक संदेश देना है कि इंसानियत के नाते से हम सब लोग एक है। अगर इतना तो कहूंगा, गुलबर्गे के अंदर हाल ही में हालत बहुत खराब हो चुके थे, मैं भी कई सोशल मीडिया में स्टेटमेंट दिया था। आज गुलबर्गे के अंदर जो सेकुलरिज्म जो हमारे बीच जो जिंदा है ना, आज हम लोगों को बिछाने के लिए कोई भी किसका ताकत भी काम नहीं कर रहा है बोल के बोलना चाहता हूँ। आज कई इश्यूज आए थे हमारे पूरे यहाँ पे, पूरे धर्म के गुरु जी यहाँ पे आए, हमारे बहुत संगठन के पूरे नेता लोग यहाँ पे है। आज ये जो मंच मोहम्मद पैगंबर साहब का जो हमको ये मंच है, हमारे लिए किस्मत की बात है बोल के बोलना चाहता हूं। जो आज हिंदू मुसलमान भाई भाई एक है बोल के आज जो साबित हम लोग करने जा रहे हैं, ये बहुत आने वाले दिनों में नौजवानों को मैं बोलना चाहता हूं, जो आज हमारे गुलबर्ग में जो सीनियर जो बुजुर्ग लोग अभी हमारे बीच है, तो आज हम लोग बहुत सेफ्टी है बोल के बोलना चाहता हूं। नौजवान भाई लोग कई पॉलिटिकली पार्टी हमारे बीच आके नए नए कानून ला के हम लोगों को बिछड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर हम लोग नहीं बिछड़ रहे हैं। जब तक गुलबर्गे के अंदर बंदे नवाज और शरण बसप्पा टेम्पल जब तक हमारे बीच है, हमारे बीच कितनी बड़ी ताकत आए तो भी हम लोगों को बिछड़ने का कोशिश नहीं करता है बोलकर बोलना चाहता हूँ। ये जो मंच है, आने वाले दिनों में हम लोग यहाँ पे पॉलिटिकली स्टेज नहीं है, अभी दो चार लीडर लोग पॉलिटिकली बात करें, मगर ये पॉलिटिकली स्टेज नहीं है। अगर पॉलिटिकली स्टेज आएगा जब पॉलिटिकली बात करेंगे, ये खाम का स्टेज है, ये खाम को बचाने का है। पूरे हिंदू मुसलमान हम एक होके खाम को मजबूती से तैरना है खाम के लिए। मैं आप लोगों के बीच ये बात कहना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में ये खाम के लिए मैं भी सामने मजबूती से ठहरूंगा। बाबा साहब अंबेडकर को इसी देश के हिंदू
पास नहीं रखे हैं, उनको इतना तकलीफ देकर उनके घर से बाहर फेंक दिए उन लोगों ने। बाबा से अंबेडकर बहुत कोशिश मार दो, ये हिंदू धर्म पवित्र धर्म आगे, ये हिंदू धर्म विश्व श्रेष्ठ धर्म आगे, अद्क ना प्रयत्न मारती बाबा से अंबेडकर ये लोग कोई नहीं माने। बाबा से अंबेडकर को शूद्र है, दलित है, अच्युत है, हो गया जन देश स्वातंत्र मदल देश को स्वातंत्र मदल इन इष्टपड़ी स्टेज मेले ना नम सुपुर स्वामी बंदूर मल्ती भारत दौड शक्ति भारत दौड कैसेज मेसेज कोपैसी तमल ना नोत हमें मेसेज मैं बसवण ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಂಥ ಮೀರಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಲು ಕೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಓಡಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದೆ ಮನ್ ಮನು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಮಗಾರ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಸವ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಬಾರವೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಾರೋ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಾಗ ಬಸವಣ್ಣವರು ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಅಚೂತ್ ಕರ್ದೇ ಮಾರೋವನಿಗೆ ಭಯಕ ಮಾರ್ದೇ ಸಬ್ ಸಣ್ಣಾದಿ ಬಸವಾದಿ ಸಣ್ಣ ಓಡಾಡಿಸಿದ ಸನಾತನವಾದಿಗಳು ಈ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಹೆಸರಿನಾಗ ಹಿಂದೂ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಗು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೋಶಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೇ ಇಲ್ಲಿ तुम कुछ पॉलिटिकल पावर तुम्हारे हाथ में है बोल के हम कुछ भी करेंगे तो किसी का ये नहीं है। यहाँ मुसलमान रहेंगे, यहाँ दलित भी रहेंगे, यहाँ हिंदू भी रहेंगे, यहाँ क्रिश्चियन भी रहेंगे, यहाँ सिख भी रहेंगे, यहाँ ईसाई सब 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 लोग यहाँ हमारे देश है। इधर ये देश एलो भाईचारे के हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अंबेडकर सबके लिए लिखा है। ये लोग कुछ लोग ये हमारा देश है, ये हमारा ये हिंदुस्तान है, कुछ लोग मुसलमान देश बनने में कोशिश कर रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे अंतर्रोधी देशद्रोही बात हो यही देशद्रोही किस लोग तुम लोगों का तुम्हें मालूम नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे नहीं है, किसी के बाप का देश नहीं है। अगर यहाँ मुसलमान है, यहाँ बुद्धिस्ट है, यहाँ सूफी है, यहाँ संत है, यहाँ हिंदू है, यहाँ सिख है, सब लोगों का ये देश है, हम यही रहेंगे। हमारा देश ये जो रक्षा करने के लिए यहाँ सब साधु संत लोग है और ये अपना मुरगुड़ मल्ला से स्वामी जी लोग है, ये पौर पुरुष लोग है, बंद आवग नमाज आयतु एलू बंद नो नमाज शक्ति नो ಇದು ಕೇಳಿ ಈ ನಮಾಜಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಭಾತೃತ್ವ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರತೆ ಅದರ ಇವಾಗ ಹನುಮಂತ್ ಎಲ್ಸಂಗಿಕರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚಂದವಾದ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುರ್ಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಲೋಜರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸುಲಭಲ್ ಮಹಾಶಿವಾಚಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ ಒಂದೇ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಬಾಳಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಇರಬಾರದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶತ್ರುತ್ವ ಇರಬಾರದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಶ್ಮನ ಇರಬಾರದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರಬೇಕು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಂದು ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು ನಮ್ಮ ಡಿಸಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಮರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಇದ್ದರು ಅವರು ಎಂಎಲ್ಎ ಇದ್ದರು ಅವರ ಆವಾಗ ಅವರ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಜನರ ಜೊತೆ ಘರ್ಷಣೆ ಆಯಿತು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಆಗ ಕಮರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದರು ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಗಚ್ಚಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಮರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಫೋಟೋ ಕಾಣ್ತದೆ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತದೆ ನನಗೆ ಅದು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಆ ಕಮರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಅವರ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಸಾಗರವೇ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಗರ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಅವರು ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ಇಂದು ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ
200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಂಡೆ ನವಾಜರ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಡೆ ನವಾಜರ ದರ್ಶನ ಗಂಧ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಡೆ ನವಾಜನಿಗೆ ಗಂಧ ಹಚ್ಚಿದಪ್ಪ ಶರಣಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿ. 200 ವರ್ಷ 200 ವರ್ಷ 200 ಬಂಡೆ ನವಾಜನಿಗೆ ಗಂಧ ಹಚ್ಚಿದ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಭಾವೈಕ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಭಾವೈಕ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ನವಾಜ್ ಸೋಫಿ ಸಂತ 105 ಗ್ರಂಥಗಳು ಬರೆದ 105 ಗ್ರಂಥಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಧರ್ಮಗಳು ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಾನ ಇದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಧರ್ಮಗಳು ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಾನ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಧರ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಾವ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಆಗಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಆಗಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಆಗಲಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ಆಗಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಆಗಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮವಾಗಲಿ ಹತ್ತು ನದಿಗಳು ಹಲವಾರು ಹರಿತಾವ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಘಟಪ್ರಭ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಮಲಪ್ರಭ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಭೀಮಾ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಗೋದಾವರಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ತುಂಗಭದ್ರ ಹರಿತಾ ಇದೆ ನದಿಗಳು ಹಲವಾರು ಹರಿದರೂ ಕೂಡ ಅವು ಒಂದೆಡೆಗೆ ಸೇರಿ ಸಮುದ್ರದ ಒಡನನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂ ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಗಳು ಹಲವಾರು ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಧರ್ಮಗಳು ಹಲವಾರು ಕೃಷ್ಣ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಮಹಾವೀರ ನಾನಸಾಗ ನಾನಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೈಗಂಬರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ ಧರ್ಮಗಳು ಹಲವಾರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಆಪ್ ಸಭಿಕೋ ಮಿಲಾದುನ್ ನಬಿ ಕಿ ದಿಲ್ ಕಿ ಗಹರಾಯಿಯೋ ಸೇ ಮುಬಾರಕ್ಬಾದ್ और इस प्रोग्राम को एक खूबसूरत गुलदस्ते की शक्ल देके तमाम मजहब के फूलों को एकत्रित करके तमाम पार्टियों के लोगों को एकत्रित करके जो खूबसूरत फूलों को एक गुलदस्ते में सजाने का काम किया है मेरे 30 साल पुराने दोस्त मेरे भाई इलियास बागवान को मैं दिल की गहराइयों से इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ आज इस देश के जो हालात हैं आपसे छुपे हुए नहीं है मोहम्मद साहब की जो ईमान की जो दौलत है वो सारे मुसलमान हैं जो कि उन्होंने इस दुनिया में कायम किया आज जब इस धरती पर हम ईमान की बात करते हैं तो लाजमी है बेईमान भी होंगे क्योंकि अल्लाह ने उस रबुल आलमीन ने उस वाहिगुरु ने उस परम पिता परमात्मा ने जब इस धरती पे मानव जाति को उतारा तो साथ में शैतान को भी पीछे लगाया इबलिस को भी छोड़ा क्योंकि वो भी भक्त था भगवान का उसको भी खुला छोड़ दिया तू भरमा तेरे जो कर्म करने कर मेरे ईमान वाले कभी भटकेंगे नहीं गुरबाणी में क्योंकि आज का जो दिन है वो हमारे आपस के भाईचारे को बढ़ाने का आपस का सामंजस्य बढ़ाने का दिन है एक दूसरे को समझने का दिन है अगर मैं इस्लाम को दिल से समझता हूं तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि आप भी सिखिज्म को उतने ईमान से समझें तब जाके दिल की दूरियां मिटेंगी तब जाके दिल से नफरतें मिटेंगी और इस देश में इस दुनिया में मोहब्बत कायम होगी लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों ने मारा था मक्के से निकाला था उन तमाम गैर मुसलमान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया और किसी से आपने कोई बदला नहीं लिया लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों मज़हब इस्लाम इस बात की हमें ये तालीम देता है कि हम प्यार मोहब्बत के साथ अमन के साथ सलामती के साथ इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारें और आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर जहां भी इस्लामी ममालिक हैं किसी भी मुल्क से ऐसी बातें सुनने में नहीं आती हैं कि वहां की हुकूमतों ने या वहां की अक्सरियत ने
अकलियतों पर जुल्म किया हो और उनका बाइकाट किया हो या उनको नौकरियों से निकाला हो, ऐसी कोई बात कहीं से सुनने में नहीं आती। लेकिन इसलिए इस वतन अजीज के अंदर कुछ शरारती और कुछ बदकुमाश किस्म के लोग ऐसे हैं जो आए दिन मुसलमानों को, अकलियतों को, दलितों के ऊपर तरह तरह के जुल्म ढाते हैं और उनका सोशल बाइकाट, माशर्ती बाइकाट, समाजी बाइकाट का ऐलान करते हैं और ऐसे लोगों को हुकूमत की पुष्टपनाही भी हासिल है। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, अगर हम ये चाहते हैं कि यह अपने मंसूबे में कभी भी नाकाम ना हो, तो इसी सूरत में हमें तमाम लोगों के साथ मिलजुल करके जिंदगी गुजारनी चाहिए, नबी के पैगाम को, सीरत को आम करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान भी याद रखें कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम को जमीन में जमा देगा। अल्लाह की मदद क्या है? दीन इस्लाम पर अमल है। जब तक हम इस्लामी अहकामात पर अमल नहीं करेंगे, शरीयत इस्लामिया की तरफ रुजू नहीं करेंगे, तो ऐसी सूरत में याद रखो कि इज्जत, सरबलंदी, सरखरोई हमें हासिल नहीं हो सकती है। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, मैं इन्हीं कलमात के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि ये मुख्तसर सी जिंदगी है। इस मुख्तसर सी जिंदगी में अपने पड़ोसियों के साथ, चाहे वो पड़ोसी गैर मुस्लिम हों, हमारे वो पड़ोसी दुकान के पड़ोसी हों, घर के पड़ोसी हों, और रास्ते में चलते हुए सफर करते हुए आस पास बैठने वाला पड़ोसी हो, कोई भी पड़ोसी हो, गैर मुस्लिम अगर है, तो हमें एक अच्छा अखलाक, नबी का अखलाक, नबी का किरदार उसके सामने पेश करके उसके दिल को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। भारत का मुसलमान है जिसने इस मुल्क को सजाया है अपने पेशान के सजदों से। इस मिट्टी से हमारा ताल्लुक इतना है कि अगर नमाज के लिए वजू बनानी पड़े और पानी न मिले, तो खुदा की कसम हम भारत की मिट्टी से तैयम कर लिया करते हैं। और तैयम उसी मिट्टी से की जाती है जिसे पवित्र समझा जाता है। पवित्र बनने के लिए अपवित्रता का प्रयोग नहीं होता, पवित्रता के लिए पवित्रता की चीजों की आवश्यकता होती है। ये मिट्टी ये पवित्र है, हमारे दाएं तरफ से लेकर बाएं तरफ तक ऐसे खूबसूरत मनाजिर। अहले गुलबर्गा में तुम्हें सलाम करूं कि तुमने दिलों को जोड़ा, आपने दिलों को जोड़ा है। आज हमारा एक भाई माथे पे टीका लगाकर एक चर्च की रिप्रेजेंटेटिव करते हुए दलित समाज और अंबेडकर के भड़कते हुए दिलों की तर्जमानी करता हुआ मुख्तलिफ मंदिरों के मटके स्वामी, ये देश सूफी और संतों का है, ये देश महापुरुषों का है, ये देश नेक लोगों का, अच्छे लोगों का है। और याद रखिएगा, इस देश को चलाने के लिए और इस देश के संविधान की रक्षा करने के लिए गांधी के हजारों लोग आपको मिलेंगे, गोडसे के लिए कोई जगह नहीं है। ये हमारे देश विदंबरना और बैड लक रहा कि बदकिस्मती ये रही कि जिस महात्मा गांधी ने भारत की आजादी के लिए सब कुछ त्याग दिया था, इस देश का एक नमक हराम उसी को गोली मार कर खत्म कर देता है। पूरी दुनिया में इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं होगी, लेकिन मेरी कौम के लोगों, भारत के जियालों और मुसलमानों, मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहता हूं, आज मैं आपको सलाने और आपकी तारीफ करने के लिए नहीं, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं। और वो पैगाम ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझो। आप ताली और गाली के दरमियान, मजम्मत और मरम्मत के दरमियान के इंसान नहीं हो। आपकी जिम्मेदारियां बहुत ऊंची है। आपकी जिम्मेदारियां ये नहीं है कि सरकार को खुश करना है, डिपार्टमेंट को खुश करना है, किसी और को खुश करना है। मुसलमानों, तुम्हारे हर एक काम का मकसद ये है कि तुम अपने पैदा करने वाले मालिक अल्लाह को खुश करने के लिए। अगर तुम्हारी नजरों में अपने रब को खुश करने का मिजाज नहीं है, तो माफ करना, अगर तुम किसी लीडर को खुश करना चाहते हो, तुमने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तुम इसलिए सेवा करो कि तुम्हें पैदा करने वाला रब तुमसे खुश हो जाए। इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे।
हमको जो है हमारी फिक्र नहीं है, हकीकत बोल रहा हूँ मैं आपको, हमको हमारी फिक्र नहीं है, हमको हमारे इस देश की फिक्र है। हमारे हिंदू मुस्लिम के झगड़े से देश हमारा कहीं बदनाम ना हो जाए दुनिया के अंदर, क्योंकि हमारा देश सारी दुनिया में मशहूर है अमन व अमान के लिए, एकजहती के लिए। शायद दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश होगा जो इस देश के अंदर हजारों जबान बोलने वाले हैं और हजारों खुदाओं को मानने वाले हैं, हजारों मजहब को मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं। तो ये हमारे देश को हमको बचाना है, हमको बचाने वाला अल्लाह है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमको इस देश को बचाना है, इसको देश को बचाने की फिक्र करना है। लेकिन चंद मुंतशिर करते लोग, लेकिन इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अब मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब फिर दोबारा बहुत जल्द बुलाएंगे इंशाल्लाह उनको। अभी फिर मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नदवी साहब भी नवंबर में आ रहे हैं, इसी तरह का भी प्रोग्राम होगा। ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे इंशाल्लाह। एक ना एक दिन यह पूरा कचरा साफ हो जाएगा, ये पूरी गंदगी साफ हो जाएगी। हिंदुस्तान पाक साफ देश था, पाक साफ देश रहेगा इंशाल्लाह। ऐसे बड़े बड़े उलमा हैं, ऐसे बड़े बड़े स्वामी लोग हैं, ये लोगों के होते हुए हमको डरने की कोई बात नहीं है। वो लोग अपनी सियासत के लिए कर रहे हैं, बहुत थोड़े दिन की मेहमान है, बहुत जल्द चले जाएंगे वो लोग इंशाल्लाह। फिर वापस सेकुलरिज्म ही रहेगा देश के अंदर। बस इतना कहते हुए मेरी बात ख़त्म करता हूँ। जवान था जिसको लेकर एक नेशनल इंटीग्रिटी के प्रोग्राम रखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी आजकल जो हालात है, करंट सिनेरियो हिंदुस्तान में, तो उसको लेकर लोगों में आज भी एक डिस्टर्बेंस है कि आने वाले हालात अगर ख़राब है तो उनके पास कोई एक रास्ता नहीं, क्योंकि लोग इसको एक राजनीति का जो रुख दिया जा रहा है तो उसको लेकर लोग परेशान। क्या कहना चाहेंगे सर? असल में व्यापारी जो होते हैं वो वही माल बेचते हैं जिस माल की वो मार्केटिंग कर पाते हैं। तो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में नफ़रत की मार्केटिंग चारों तरफ से होने लगी है। तो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो नफ़रत के बलबूते पे स्पेस पे पहुंच जाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि अंधेरे का कोई फ्यूचर नहीं होता है। लाइट जब तक नहीं है तभी तक अंधेरे का राज है। जिस दिन आप एक मोमबत्ती जला देंगे अंधेरे की मौत हो जाएगी। तो ये जो महानता है हमारे देश में, ये जो महापुरुष लोग हैं, सूफी संत हैं, असल में जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं वो शक्तिशाली नहीं है। अच्छे लोग चुप हैं, अच्छे लोग क्योंकि चुप होने की वजह से गलत लोग चिल्ला रहे हैं। जिस दिन अच्छे लोग खड़े हो जाएंगे उस दिन गलत लोगों का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। सर, इलियासियत इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करे, एक मुहिम चलाए कि भाई सभी कम्युनिटीज को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, तो क्या कहना चाहेंगे आप इससे? आप देखिए कि आज गुलबर्गा में जनाब इलियास सेठ साहब एक आदमी आगे तैयार हो गए माशाल्लाह कि इस आंधी में चिराग जलाएंगे, इस अंधेरे में रोशनी करेंगे। लेकिन आप देखिए कि आज इलियास सेठ साहब अकेले नहीं है, इनको खड़े होने की हिम्मत करनी पड़ी, फिर तो कारवा बनता चला गया। कारवा बनता चला गया। एक आदमी जब हिम्मत करता है तो सारे लोग घरों से निकल आते। किसी एक को शुरुआत करनी पड़ेगी, किसी एक को शुरुआत करनी पड़ेगी। देखिए हमेशा याद रखिएगा, गलत लोगों की ताकत अच्छे लोगों की खामोशी में है। अच्छे लोग जिस दिन बोलने लगेंगे गलत लोगों की ताकत खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से अकलियतों को छेड़ा जा रहा है, खासकर एक मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर आए दिन जो इश्यूज होते हैं, तो लोगों में एक टेंशन सा पैदा हुआ है, क्या कहाँ मुस्लिम कम्युनिटी से मिस्टेक है या फिर एक राजनीति के दबाव में कम्युनिटी दबी? देखिए मुसलमानों की पोलिटिकलाइजेशन इसलिए की जा रही है ताकि जो दूसरों को मारा जा रहा है उनको पता न चले। इस देश में मुसलमान जो परेशान है उससे कहीं ज़्यादा हमारे हिंदू भाई परेशान है, कहीं ज़्यादा परेशान है। आज इन लोगों की गंदी और गलत हरकतों की वजह से 80 लाख हिंदू भाई गल्फ में डाउटफुल हो रहे हैं। 80 लाख, हमें उनकी चिंता है, हमें उनकी चिंता है कि वो 80 लाख लोग और करोड़ों लोग जो भारत में रेवेन्यू भेज रहे डॉलर की शक्ल में, और जिसकी वजह से हमारा विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज स्ट्रॉन्ग हो रहा था, उसमें अगर कमी आ गई
तो देश की करेंसी डिवैल्यूशन की तरफ चली जाएगी। सर सेठ ने जो मुहिम छेड़ी है कि एकता में अखंडता, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि सेठ साहब की अपनी मुहिम नहीं है, ये महापुरुषों की मुहिम है, सूफी संतों की मुहिम है, ये नबियों की मुहिम है, उस मुहिम को ये चला रहे हैं, इसके लिए बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अब जो हालात चल रहे हैं देश में, खासतौर पे पूरी दुनिया में और खास हिंदुस्तान में, इतने हालात बिगड़े हुए हैं, तो ये हालात को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ उलमा, कुछ अहमा, हमारी दीन शहर, हम सब बैठ के फिक्र करें कि भी सीरत नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा किया जाए। और उसमें हम मैंने ये मशवरा दिया कि इस जलसे में, इस सीरत नबी के प्रोग्राम में नॉन मुस्लिम भाइयों को भी बुलाया जाए, ताकि उनकी जो गलत फहमी, चंद लोग, मुख्तसर लोग जो गलत फहमी पैदा कर रहे हैं कि इस्लाम के ताल्लुक से, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, हमारे दीन के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से, हमने कहा कि वे नॉन मुस्लिम भाइयों को भी बुलाकर हमारी हकीकत में इस्लाम क्या होता है, हमारे नबी की सीरत क्या होती है, और इस तरह से हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, गुरबा, कोली, हर समाज के लोगों को बुलाया, इवन जो है जनता दल, आम आदमी, MIM, हर पार्टी के लोगों को भी हमने बुलाया, और हर हर मजहब के, हम यानी कि जितने भी हमारे मसलक हैं, सज्जादेगान हैं, उलमा हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, संध्या पहले हदीस हैं, सबको जोड़ा है, क्योंकि हमारे नबी रहमतुल आलमीन थे, हमारे नबी रहमतुल मुसलमीन नहीं थे, तो हमारे नबी सबके नबी हैं, माना तो भी नबी है, नहीं माना तो भी नबी है, जो मानेगा उसकी जन्नत है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है सीरत के लिए हम सबको बुला के, मैं समझता हूँ शायद पहली बार बहुत दिनों के बाद ऐसा प्रोग्राम हुआ आज, और कामयाब प्रोग्राम रहा, और सब लोगों ने, पूरे ताल्लुक़ से लोगों ने आए यहाँ पर, और शहर के भी लोग आए, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बेहतरीन प्रोग्राम हुआ, और मौलाना की बात भी बहुत अच्छी बात रही। तो इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे इंशाल्लाह, और हम भी, आप लोग दुआ कीजिए, हमारी उम्र को हिम्मत दे अल्लाह, हमको ताकत दे, ऐसे प्रोग्राम हम बार बार करते रहें। ये सियासत तो आती जाती रहती है, सियासत क्या है कुछ भी नहीं है, लेकिन असल क्या है, हम इंसानियत अहम चीज़ है। तो इस सिलसिले में हम प्रोग्राम रखे, और प्रोग्राम बहुत कामयाब हुआ, और सब लोगों ने शिरकत की, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मौजूद है सेठ के बारे में, मिल्लत फाउंडेशन के बारे में, और ये यूनिक प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से हमारे इलियास भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक सोच, कहते हैं ना कि इंसान जब पॉजिटिव सोचता है तो वो पॉजिटिव होता है, तो इनकी जो एक सोच थी कि उस अल्लाह की सीरत हर सूरत में आज नजर आ रही है, हर सूरत में उसकी सीरत नजर आती है, और हर सूरत में उसकी सीरत नजर आती है, और हर सीरत में फिर उसकी सूरत नजर आती है, इसको इन्होंने चरितार्थ किया है। आज जो कौमी एकता का जो आपने परिचय दिया है, ये आज के हालात को देखते हुए बहुत जरूरी था, क्योंकि दुश्मन कितना भी जोर लगा ले, अगर हम एक हैं तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता, और आज के दौर में ईमान पे चलने वालों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ईमान वाला वही होता है जो पुख्ता होता है। और आप मुसलमान भाइयों के लिए तो एक ही बात कहूँगा कि अगर मुसलसल ईमान है तो ही मुसलमान है, वरना बेईमान है, इसलिए अपने ईमान पे कायम रहो। जब अपने ईमान पे कायम रहोगे तो इस वतन के ईमान के लिए भी आप खड़े होंगे, ये वतन के लिए भी ईमानदार रहिए, देश के लिए वफादार रहिए, हर कौमों के लिए वफादार रहिए, और दूसरी कौमों के नुमाइंदों से भी, मैं सभी कौम के मेरे भाइयों से यही अपील करता हूँ कि अपने भाई चेहरे को कभी मिटने मत दीजिए। ये प्रोग्राम हर कम्युनिटी से होना चाहिए, हर जगह यह मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि आज मजबूरी है, ये बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सदियों से जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो एक आपस में जो भाईचारा था वो चलता आ रहा था, लेकिन कुछ कहते हैं ना कि कभी कभी हमारे बीच में से ही कुछ चंद गलत ख्याल के लोग आ जाते हैं। तो जैसे मैंने एक बात कही थी कि यजीद ढाता रहा करबला में सारे सितम, मगर हुसैन इब्ने अली को हरा न सका, ऐसे हमको भी ये यजीद नहीं हरा पाएगा।